नमस्कार, आज है 10 अक्टूबर। बिहार की 25 खबरों के साथ मैं अनामिका। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गांधी मैदान में अनुपस्थित रहे भाजपा नेताओं पर जदयू ने कसा तंज। रावण दहन के मौके पर अनुपस्थित रहे भाजपा नेताओं पर जदयू के डॉक्टर अजय आलोक ने तंज कसते हुए सवाल पूछा है कि क्या हुआ, भाजपा कोई गांधी मैदान में रावण दहन समारोह में क्यों नहीं आया। आपको बता दें कि रावण दहन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई नेता उपस्थित थे, मगर बीजेपी के कोई बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं थे। जिसके बाद जदयू नेता अजय आलोक ने भाजपा से तंज के रूप में यह सवाल किया। इसके जवाब में संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के नेता अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए नहीं जा पाए। साथ ही सुशील कुमार मोदी भी पटना से बाहर थे। जेडीयू के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जल जमाव से परेशान लोगों ने नेशनल हाईवे पर किया बाईपास जाम। पटना के कृष्णा निकेतन खेमनी चक इलाकों सहित कई क्षेत्रों में जल जमाव से परेशान लोगों का इंतजार करते हुए सब्र का बांध टूट गया है और वे सड़क पर उतर आए। बता दें कि जल जमाव से परेशान लोगों ने न्यू बाईपास को जाम कर दिया एवं लोगों ने प्रशासन से पानी निकालने की मांग की है, जिसकी वजह से NH पर आवागमन बाधित हो चुका था एवं सड़कों के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई एवं जहां की तहां गाड़ियों को कई घंटे खड़ा देखा गया। बेगूसराय में अधिकारियों के ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर DM ने वेतन रोकने का आदेश दिया। आपको बता दें कि बेगूसराय में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक एवं सहायक कृषि पदाधिकारी को दशहरा मेले के मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था। ये चारों मेले के दौरान अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर थे, जिसकी वजह से DM अरविंद वर्मा ने इनके वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया है। भाजपा के अपने ही नेता ने गिरिराज सिंह को संभल कर बोलने की दे दी नसीहत। भाजपा एवं जदयू के बीच बढ़ते तकरार को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने गिरिराज सिंह को संभल कर बयानबाजी करने की सलाह दे डाली है। उन्होंने गिरिराज सिंह को जदयू से रिश्तों का ख्याल रखने पर ध्यान देने को कहा। बता दें कि गिरिराज सिंह ने लगातार CM नीतीश कुमार को कई बार जल जमाव को लेकर तंज किया है। सिवान की राजलक्ष्मी ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर बिहार को किया गौरवान्वित। सिवान के मैरवा प्रखंड स्थित गांव लक्ष्मीपुर निवासी संजय पाठक एवं संगीता देवी की बेटी विजय लक्ष्मी को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, जो कि उन्होंने CBSE द्वारा उत्तर प्रदेश की एटा जिला श्याम बिहारी हायर सेकेंडरी स्कूल में ईस्ट जोन अंतर विद्यालय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता है। रेलवे की बड़ी पहल, अब हरेक स्टेशन पर होगी हेल्थ चेकअप। अब रेलवे स्टेशनों पर सिर्फ 50 रुपए में पूरे 16 तरह की हेल्थ चेकअप की व्यवस्था की गई है, जिसके परिणाम सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएंगे। बता दें कि इनकी कंपनी का कहना है कि फिटनेस के लिए चेकअप बूथ की सुविधा से 12 लाख से अधिक रेलकर्मी एवं करोड़ों यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया है। अब इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मियों एवं 65 लाख पेंशनधारकों को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि यह फैसला PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में की गई है एवं इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सौगात के रूप में दी है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को जदयू का सीनियर पार्टी कहा। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बिहार के CM नीतीश कुमार पर कड़ा शब्द बोलते हुए कहा है कि बिहार गठबंधन में बीजेपी JDU से सीनियर पार्टी है एवं बीजेपी अकेले अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बिहार के बाढ़ एवं जल जमाव जैसे हालातों को लेकर नीतीश कुमार की आलोचना की बात कही है। दशहरा मेले का मूर्ति विसर्जन व रावण दहन के साथ समापन। बिहार में सभी जगहों पर बने पंडालों व मूर्तियों का प्रशासन ने अपनी देखरेख में करवाया विसर्जन, जिसके साथ ही कई जगहों पर चाट और पकोड़े के साथ लोगों ने मेले का आनंद उठाया। सड़कों पर चहल पहल दिखी एवं इसके साथ ही पटना के एक मूर्ति पंडाल में दो युगल की शादी भी करा दी गई। बता दें कि शादी को लेकर दोनों ही परिवारों ने जताई सहमति। जानिए त्योहारों व छुट्टियों पर चलने वाले बिहार विशेष कुछ ट्रेनों के टाइम टेबल। ट्रेनों में त्योहारों को लेकर सीट फुल है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ट्रेनों का परिचालन रेलवे ने किया है, जिसके लिए स्पेशल ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से 24 से 31 अक्टूबर को गुरुवार की शाम 6:35 पर और अगले दिन शाम 5:30 पर भागलपुर पहुंचेगी। 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को यह ट्रेन शाम 6:45 पर खुलेगी और शनिवार की शाम 5:30 पर भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 09451 एवं ट्रेन संख्या 09452 गांधीधाम से 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को चलेगी। वहीं भागलपुर से 28 अक्टूबर और 4 नवंबर को इसका परिचालन मुंगेर गंगा पुल होकर किया जाएगा। SBI बैंक की घटी ब्याज दर, लोन लेना अब हुआ सस्ता।
SBI बैंक की लोन पर नई ब्याज दर को घटाकर 8.15% से 8.05% कर दिया गया है, जिसकी नई दर आज यानी 10 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि छठी बार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए NCLR घटा दिए गए हैं, जिससे अब बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन एवं अन्य लोन भी सस्ता हो जाएगा। जबकि अक्टूबर में ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। बता दें कि RBI ने 2020-21 के लिए GDP अनुमान रिवाइज कर 7.2% कर दिया है। जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बहुजन नायक कांसीराम की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जहां इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार के पार्टी पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस मौके पर अनिल कुमार ने कहा कि कांसीराम ने देश में सर्वप्रथम सोशल इंजीनियरिंग के तहत वे सामाजिक कार्यों व कमजोर वर्ग को मजबूत बनाने का काम करते थे, जिसके बाद उन्होंने उनके विचारों को अनुसरण करने का संकल्प भी लिया। कॉमन मैन बन बच्चों के साथ दशहरा मेला घूमे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। दशहरे मेला के मौके पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय अपने गृह क्षेत्र पहुंचकर कॉमन मैन बनकर बच्चों के साथ पैदल मेला घूमते नजर आए। मौके पर नित्यानंद राय ने बच्चों के साथ जमकर मस्ती भी की। लोगों ने नित्यानंद राय के इस अंदाज को खूब सराहा, साथ ही सेल्फी लेने वालों की भी काफी होड़ लगी रही। जदयू ने गिरिराज सिंह को नो कमेंट में डाला। JDU के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पार्टी के सभी नेताओं को यह निर्देश दिया है कि वे गिरिराज सिंह के बयानों पर कोई भी कमेंट या प्रतिक्रिया न दें। उन्होंने ये भी कहा कि जदयू गिरिराज सिंह के बयानों को तरजीह नहीं देना है एवं NDA के सहयोगी दलों के बीच आपसी बयानबाजी ठीक नहीं है, इसलिए गिरिराज सिंह के बयानों को तूल देने की अपेक्षा पार्टी के सभी नेता अपने ध्यान को CM नीतीश कुमार के कामकाज को जनता के बीच में रखने में लगाएं। केंद्रीय विद्यालय की ड्रेस कोड में खादी होगा शामिल। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में अब बच्चे खादी से बने यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में बदलाव करने का फैसला किया है, जिसके तहत संगठनों ने खादी इंडिया के साथ बैठक भी की है। आपको बता दें कि यह फैसला महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिया गया है। पर्यटन विशेष स्पेशल ट्रेन सहरसा स्टेशन से 15 अक्टूबर को परिचालित होगी। इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर को रवाना होगी, जो कि सहरसा स्टेशन से परिचालित की जाएगी एवं समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए रवाना होगी। बता दें कि इस ट्रेन में यात्रियों को रियायती दर पर किराया सहित उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। यह ट्रेन वैष्णो देवी स्टेशन के अलावा हरिद्वार व ऋषिकेश के लिए भी जाएगी। बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में होगी सहेली की पहली कार्यक्रम। बिहार सरकार ने अब सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली किशोरियों के लिए जागरूकता अभियान का एक विशेष सत्र पहेली की सहेली संचालित करेगी, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षित नोडल शिक्षिकाओं के द्वारा MHM को लेकर प्रशिक्षित करेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरियों के मन में उठ रहे हर एक सवालों व समस्याओं का भी जानकारी एवं समाधान दिया जाएगा। बता दें कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना पदाधिकारी संजय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को इसकी रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 से 5 रुपए की आ सकती है कमी। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल व डीजल के दाम में 1 रुपए की गिरावट हो चुकी है। अब नवम्बर तक 3 से 5 रुपए की गिरावट आने की संभावना बताई जा रही है। इंडियन ऑयल के वेबसाइट के मुताबिक बीते दिनों तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल क्रमशः 73.76 रुपए, 89.37 रुपए, 76.40 रुपए एवं 76.61 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा था, जबकि दूसरी तरफ डीजल के दाम में क्रमशः 66.91 रुपए, 70.14 रुपए, 69.27 रुपए और 70.68 रुपए प्रति लीटर की बिक्री हुई है। हालांकि मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 3 पैसे की मामूली बढ़त हुई, लेकिन बुधवार को फिर से इसमें 32 पैसे की कमी देखी गई है। बाजार समिति में जल जमाव खत्म होने पर लोगों से मिलने पहुंचे विधायक अरुण कुमार सिन्हा। पटना के बाजार समिति में बीते एक सप्ताह तक बारिश की वजह से जल जमाव हो चुका था, जिसकी वजह से बाजार समिति मार्केट में लाखों रुपए के फल भी खराब हो चुके थे। अब जो कि इसके बाद जल जमाव खत्म हो चुका है, तो बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने वहां पहुंचकर लोगों का हाल चाल जानने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद लोगों का गुस्सा विधायक जी पर भड़क उठा और लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जब यह क्षेत्र डूबा हुआ था तब तो नहीं आए, अब फोटो खिंचवाने आए हैं, जिसके बाद जनता ने अरुण सिन्हा को वापस जाने की सलाह और वापस जाने के नारे भी लगाए।
अक्टूबर व नवंबर महीने में चलाई जाएगी 34 विशेष ट्रेनें। बिहार व उत्तर प्रदेश के लिए दिल्ली से 34 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि त्योहार में आने के लिए यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि उत्तर रेलवे के अनुसार ये सभी ट्रेनें अक्टूबर से नवंबर महीने तक चलाई जाएंगी, जो कि राजधानी दिल्ली से परिचालित होंगी और बरौनी, सहरसा, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के लिए चलेंगी। जबकि आनंद विहार स्टेशन से चलने वाली स्पेशल ट्रेनें भागलपुर, जोगबनी, वाराणसी, कटिहार, दरभंगा, लखनऊ, मुजफ्फरपुर और इलाहाबाद तक जाएगी। मोतिहारी व बेतिया स्टेशन को रैंकिंग के टॉप 20 में लाने की तैयारी। स्वच्छता रैंकिंग में समस्तीपुर रेल मंडल के बापूधाम, मोतिहारी और बेतिया स्टेशन के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब इसे टॉप 20 में रेल मंडल के सभी A1 और A श्रेणी के स्टेशनों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए भारतीय रेल ने जोधपुर स्टेशन पर समस्तीपुर रेल मंडल से अधिकारियों की टीम भेज वहां की कार्य प्रणाली एवं साफ सफाई के कार्यों का अध्ययन कराया जाएगा। इस बात की जानकारी रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी ने दी है। पप्पू यादव पहुंचे पटना सिटी के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में। नॉनस्टॉप बाढ़ प्रभावित की सेवा में उतरे जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव अब पटना सिटी के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद करने उतरे हैं। बता दें कि पप्पू यादव ने दीदारगंज के हीरानंदपुर, सोनामा, कोठिया, खासपुर, पुनाडी और सुकुलपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। लो वोल्टेज की समस्या से निजात के लिए लगाए गए कैपेसिटर बैंक। भागलपुर और आसपास के इलाकों में अब लो वोल्टेज की समस्या से निजात के लिए पिछले दिनों सबौर पावर ग्रिड में कैपेसिटर बैंक नामक उपकरण लगाया गया है, जिसे लगाने के लिए क्षेत्रीय फीडरों से जुड़े इलाकों की बिजली आपूर्ति बंद की गई थी। इस उपकरण के लगाने के बाद बरारी, मायागंज, मुजाहिदपुर, अलीगंज, जगतीसपुर और गोराडी फीडर में संबंधित क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या नहीं होगी एवं वोल्टेज सामान्य रहेगा। बता दें कि वोल्टेज की समस्या से समाधान के लिए TTC विक्रमशिला, हबीबपुर समेत अन्य फीडरों में भी कैपेसिटर बैंक लगाने की योजना है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया के प्लेइंग 11। टीम इंडिया का संभावित प्लेइंग 11 में बदलाव होंगे, जिसमें मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अंजिक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी होंगे। बता दें कि पहले टेस्ट में टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था, लिहाजा दूसरे टेस्ट के प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना ना के बराबर है। अब जानते हैं आज के मौसम का हाल। मौसम विभाग IMD के अनुसार औरंगाबाद, छपरा, फारबिसगंज, पूर्णिया, राजगीर, सुपौल, गया, नालंदा, पटना एवं आसपास के इलाकों में सामान्य बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं भागलपुर, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में सामान्य बादल के साथ बारिश की भी संभावना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।